हमारे देश भारत में कई ऐसी प्रतिभाएं हैं जो दूसरे देशों में नहीं हैं, और उनमें से एक है पटचित्र। और इसी के लिए फेमस है उड़ीसा का एक यूनेस्को रिकॉग्नाइज हेरिटेज विलेज रघुराजपुर। पट्टा मतलब होता है कपड़ा और चित्र मतलब पेंटिंग, तो इसलिए कपड़े में किया जाने वाला पेंटिंग को पटचित्र बोलते हैं। उसी तरह से भित्ता मतलब होता है वॉल, वॉल पे किया जाने वाला पेंटिंग को बोलते हैं भित्तचित्र। और पाम लीफ यानी कि ताल, ताल पे किया जाने वाला पेंटिंग को बोलते हैं ताल पटचित्र। ये पेंटिंग्स का सबसे खासियत ये है कि इस पे 100% प्योर नेचुरल कलर्स यूज़ किया जाता है, और मोस्टली मिथोलॉजी इम्पोर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस को दिखाने के लिए ये पेंटिंग्स किया जाता है। ये है रघुराजपुर विलेज, पुरी से 18 से 20 किलोमीटर में। ये फोटो चित्र पेंटिंग्स के लिए काफ़ी फेमस है। इनफैक्ट लाइक फिफ्थ सेंचुरी बीसी से यहाँ पर पेंटिंग्स वगैरह का काम हुआ, लेकिन इसको डेवलपमेंट हुआ एक्चुअली 40 से 50 साल हुआ है। यहाँ पर 160 से 200 फैमिलीज है जो ये काम करते हैं, और एक एक पेंटिंग सुपर्ब है, इतना डिटेल में काम होता है। और घर के बाहर भी देख सकते हो, मोस्टली हर घर के बाहर में बना हुआ। वाह, कितना बड़ा है ये, 7 फीट का होगा। चौंकाने वाली बात यह है कि इतने वैरायटी के पेंटिंग्स हैं, और मोस्टली हर पेंटिंग्स में एक एक स्टोरी है। कॉन्सेप्ट ये है कि यूज़ किया हुआ कॉटन का साड़ी, टैमरिन सीड यानी कि इमली का बीज और चॉक का पेस्ट मिक्स करके कैनवास बनाया जाता है। और नेचुरल कलर्स के लिए नेचुरल स्टोन्स, लीफ हो गया, या फिर आपका लैम्प काजल यूज करके नेचुरल कलर्स बना के उसी को इस कैनवास पे यूज़ किया जाता है। तो जितना मोटा कैनवास चाहिए उतना ज़्यादा यूज़ किया हुआ कॉटन साड़ी का लेयर्स यूज़ किया जाता है। डिटेल्स के लिए मिलते हैं यही के एक आर्टिस्ट है, उनसे जानते हैं हम। इसी पेंटिंग के लिए हमारा गांव फेमस है, और जो हेरिटेज विलेज है इसी पेंटिंग के लिए मिला है। यही सर मेन ट्रांसफर, इसको मिक्स करके हर कलर बन जाता है, व्हाइट, येलो, ब्लू, ब्लैक और रेड। जो सीप होता है, अच्छा सीप, इसका पाउडर है ये। यही सारा हॉलीटल स्टोन का पाउडर। कौन सा? हॉलीटल स्टोन। ओ, इसको हॉलीटल स्टोन बोलते हैं, इसका पाउडर है। ये सर हेम्पल स्टोन का पाउडर। कौन सा? हेम्पल स्टोन का। सर ये नील ट्री है, नील ट्री इसका फूल है, इसको सर प्रोसेसिंग करके जो ब्लू कलर को। अच्छा अच्छा सर, हमारे जो लोकल में ट्री है कॉथवेल पेड़, कॉथवेल पेड़ जो होता है इसी पेड़ का गॉम, ये गॉम में कलर को मिक्स करके जो नारियल का खोल होता है इसमें घोलते हैं। ये सर आधा घंटा 45 मिनट घोलने के बाद वो तैयार हो जाता है। कृष्ण का राम राम जगन्नाथ जी का सोना भी है। ये तसर सिल्क के ऊपर किया हुआ है पटचित्र,
इसका क्या प्राइस है? 4,500। बहुत डिटेल में किया हुआ है। ये बुद्ध का है ना जी। इसका क्या प्राइस है? 4,500। इसका क्या प्राइस है? 18,000। बहुत डिटेल में किया हुआ है। इसका प्राइस 22,000 बोले ना? 22,000। बहुत सुंदर है। संख के ऊपर हो रहा ना? ओ अच्छा, इस तरह का वो चिड़िया वगैरह साइड में। कितना कर गए सर? कितना कर गए वाला? ये 150 है। ये पूरा बारीक है। सुन ले बोलो, आते थोड़ा घूम के। और पेंटिंग में एक स्टोरी है, इसमें और एक स्टोरी है। गया में बुद्ध गया का स्टोरी, राधा कृष्ण का स्टोरी। ये इनका घर है। नमस्ते, मेरा नाम चंदन है, मैं रघुराजपुर में रहने वाला हूँ। मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरा अपना फैमिली भी बनाते हैं पट्टचित्र का। मेरा नंबर है 9861991886। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सब पट्टचित्र का काम करते हैं। ये के मेरे मम्मी का स्पेशल काम देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। आपका पूरा फैमिली करते हैं? फैमिली में, ये हमारा जनरेशन वाइज, जनरेशन मतलब जब से जगन्नाथ मंदिर स्टार्ट है तब से ये गांव है। जगन्नाथ मंदिर के अंदर जो पेंटिंग हुआ है ना, हमारे गांव में जितने भी सीनियर आर्टिस्ट है उस जगह बनाया है। ओके। और रथ यात्रा होता है, रथ यात्रा के दिन जगन्नाथ जी को फेवर आता है, 108 जल में स्नान करते हैं, तब उनका क्या होता है ना, जो लकड़ी का मूर्ति पूजा नहीं होता, तब ये पेंटिंग्स पूजा होता है मेन लास्ट वीक में जगन्नाथ मंदिर के अंदर। अच्छा। इसकी जो ओरिजिनल नाम है अणसर पट्टी, हमने इसको मॉडिफाइड करके पट्टचित्र बोलते हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम अणसर पट्टी है। तब से ये गांव है और सब लोग इसको देखते हैं, और हेरिटेज विलेज डिक्लेयर भी यूनेस्को ने 2000 में। आपके मम्मी ने बनाया? मेरे मम्मी ने बनाया। कृष्ण जी का पूरा कहानी है। और बाप रे, बहुत डिटेल है। हैंड डिटेलिंग काम है ये, थोड़ा बहुत सुंदर है। मेरे मम्मी को थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट अच्छा लगता है, और ये कॉम्बिनेशन मरून कॉम्बिनेशन में उनको बनाना ये लगता है, बहुत सुंदर है। ये सब नेचुरल स्टोन कलर है मैडम। ये व्हाइट कलर जो होता है ना, ये सी सेल होता है,
ये जो ब्लैक होता है लैम्प का काजल, ये जो गेरू होता है जो रेलवे पटरी है ना साइड में जो पत्थर मिलते हैं वहां से कलेक्ट करके, ओके। और ये जो कैनवास है ये भी खुद हाथ से बनाते हैं मैडम, जो यहाँ पे लेडीज लोग साड़ी यूज करते हैं जब रिजेक्टेड हो जाते हैं उसका तीन लेयर व्हाइट चॉक और इमली का बीच उसको पेस्ट करते हैं तब जाके ये कैनवास तैयार होता है। उसके बाद व्हाइट चॉक लेके इसको हम पेस्ट करते हैं ताकि ये पलिस हो जाएगा, पलिस जितना होगा तब हमको थोड़ा ग्लेज आएगा, इजी भी लगेगा काम करने में, स्मूथ रहेगा सरफेस। ये है पट्टचित्र और मैं जो करता हूँ पामली कर। अब थोड़ी में आएंगे रघुराज तू, पूरी में इतना लोग आता है, कितना इसका प्राइस 1700 है ना, 1700 हाँ मिलती तो अच्छा लगता। अभी भुवनेश्वर में ये एल्युमिनियम के ऊपर किया हुआ है, ये जितना आप देख रहे हैं सब रिसाइकल आइटम है। इसका प्राइस 1500 है, 1500 है। ये 800 का है, ये 800 का है, सब अलग अलग होता है। ये बुद्ध जी का है, बुद्ध जी का स्टोरीज है। उसको उसी प्रोसेस से इसको ये भी पाम लीफ पे किया, पाम लीफ में किया। ये देखिए ये पाम लीफ के ऊपर किया हुआ है। हाँ, मैं इसका प्रोसेस भी बताता हूँ, बहुत डिटेल्ड है। ये हमको करके अभी दिखाएंगे। ये है ताड़ का पत्ता, पहले क्या होता है साइज के हिसाब से हम पेड़ से निकाल देते हैं, फिर उसको कट करते हैं, फिर दो दिन उसमें धूप में सिखाते हैं, क्योंकि जो ये पत्ता जो होता है ना कड़क बन जाए। फिर उसके बाद नीम पत्ता हल्दी से बॉइल करते हैं, क्योंकि जो इंसेक्ट्स होता है नहीं लगता, फिर इसी नीडल से इसको ऐसे इचिंग करते हैं। ये देखिए ये डायरेक्ट नीडल से निकलता है। नीडल से उसको स्क्रैच किया अभी, उसके बाद हम लैम का काजल हाथ से लगाएंगे तब जाके ये पेंटिंग आपको विजिबल होगा। ओके। ये लैम का काजल है, इसमें हम काजल और उसमें तामरिंड शीट भी मिक्स किया है, क्योंकि ये प्रोटेक्ट रखता है कलर को, कभी फेड होने के लिए चांस नहीं रहता। अच्छा, इमली का बीज मिक्स करके और काजल काजल मिला के जहाँ पे हमने स्क्रैच किया एक टैटू टाइप का है, परमानेंट रह जाता है। अच्छा अच्छा, ऐसे हो जाता है। अभी मैंने बना, बहुत सुंदर है। अभी इसको क्या करेंगे ना, अभी नाखून मारेंगे, कुछ खराब नहीं होगा, हैंग करेंगे, डॉश लगेगा, पानी में धो सकता हूँ। देखिए ये कभी फेड नहीं होता, ये ऐसे ही रहता है, ये और आसपास जो ब्लैक रहते हैं वो इजीली। ब्लैक कलर यूज होता है कि दूसरा कलर? दूसरा कलर भी होता है, आजकल दूसरा कलर यूज हो रहा है, लेकिन पहले से ये ब्लैक था। ये पूरी जगन्नाथ टेम्पल है, ये हमको बनाने के लिए 8 महीना 8 मंथ टू मेक दिस। जगन्नाथ सुभद्रा बलराम है, कांशी अभिजान है, रावण वध है, दश अवतार है, अनंत स्टोरी है, फुल स्टोरी है। यहाँ पे रथ यात्रा है जो पूरी का फेमस है, काफी स्टोरी। इसका क्या प्राइस है? ये 35,000 मैडम, 35,000। ये 8 महीना लगा है बनाने के लिए, 8 महीना लगा है। दिस पीपल आर सो ब्रिलियंट इन देयर फील्ड। मैंने वीडियो में ही 3-4 कॉन्टैक्ट नंबर्स दिखाया है, तो आई रिक्वेस्ट यू इफ पॉसिबल हो सके तो इनका टैलेंट और हार्डवर्क अप्रिशिएट करने के लिए ट्राई टू परचेज समथिंग फ्रॉम देम, ताकि इनको और इनकरेजमेंट मिले इस आर्ट को आगे बढ़ाने के लिए। और अपने पूर्वज के लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए ये बना रहे मुगल टाइम्स का प्लेइंग कार्ड्स, मुगल्स इसी कार्ड्स को खेला करते थे। एक कैटेगरी में 12 कार्ड्स यानी कि टोटल 96 कार्ड्स 8 कैटेगरीज का। हिंदी हिंदी कॉटन साड़ी है ना, साड़ी का
वो नाभा गुंजर है बॉक्स में। अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा घूम ले रहे हैं। हाँ स्पेसिफिक बॉक्स। अच्छा आप बॉक्स ही बनाते हैं मोस्टली? बॉक्स ये सेट है 7000 का सेट है। ये एल्युमिनियम का बॉक्स है क्या? नहीं नहीं नहीं, कैंपस का बॉक्स है ना। अच्छा अच्छा, जो पट्टा है ना। अच्छा अच्छा, दाम का दे वो जो वो वाला है पट्टा। साड़ी है ना? अच्छा हाँ, साड़ी का हम ये कॉटन का तीन ठो जो आता है ना, तीन ठो नहीं वो छह ठो है। अच्छा हार्ड वाला उसी पे बना है।